सब्सक्राइब कीजिए टेक हिंदी विद बिरजू यूट्यूब चैनल को और दबाए इस बेल आइकन को और यहाँ पे आप ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो एवरीवन, सो गाइस आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आईसीआईसीआई बैंक का डेबिट कार्ड का पिन किस तरह से जनरेट कर सकते हो घर बैठे। इसके लिए आपको कहीं एटीएम मशीन में जाने की ज़रूरत नहीं या फिर आपको किसी ब्रांच में भी विजिट करने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे ही अपने स्मार्टफोन के थ्रू अपना डेबिट कार्ड का पिन जो है कि जनरेट कर सकते हो, न्यू डेबिट कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हो। तो किस तरह से एक्टिवेट करना है, क्या इसका प्रोसेस, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिरजू कुमार, आप देख रहे हैं टेक हिंदी विद बिरजू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, आई मोबाइल इस एप्लीकेशन का नाम है और इसमें आपको रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इसमें बिना एटीएम कार्ड के थ्रू भी आप इसमें लॉगिन हो सकते हो और एटीएम कार्ड के थ्रू आपको इसमें रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो चलिए यहाँ से मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ से आप जो है कि फिंगर स्कैनर सेंसर के थ्रू यहाँ से आप लॉगिन हो सकते हो या फिर यहाँ पे आप लॉगिन पिन फिल करके लॉगिन हो सकते हो। यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, अगर आपका जो है कि आपके मोबाइल में फिंगर सेंसर है तो आप इसमें बिना एटीएम कार्ड के थ्रू भी आप इसमें जो है कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपके मोबाइल फोन में फिंगर सेंसर नहीं है तब आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगा। तो अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो आप जो है कि फिंगर के थ्रू जो है कि आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं फिंगरप्रिंट के थ्रू बिना एटीएम कार्ड के, तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ से अपना फिंगर थम लगा के यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ इसे। सो मैंने यहाँ पे अपना फिंगर थम लगा दिया है, उसके बाद यहाँ से ये अपडेट मांग रहा है, चलिए मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ लेटर। सो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन जो है कि ओपन हो चुका है, इस तरह का पॉपअप आ गया, चलिए मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे आपको अपने डेबिट कार्ड का पिन किस तरह से जनरेट करना है वो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएंगे और यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर दिख जाएंगे। आपका अकाउंट नंबर, आपको अकाउंट ओपन करते ही आपका अकाउंट नंबर, नेट बैंकिंग, ये सारा कुछ आपको तुरंत ही मिल जाते हैं। तो मैंने इसका अकाउंट भी ओपन करके दिखाया, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप उस वीडियो को देख के अकाउंट ओपन करना सीख सकते हो। आपका डेबिट कार्ड तुरंत ही मिल जाते हैं, 3 से 4 दिन के अंदर में यदि आपका डेबिट कार्ड है तो आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाता है बाय पोस्ट के द्वारा। आपका अकाउंट नंबर, नेट बैंकिंग, आईएफएससी कोड, ये सारा कुछ, अकाउंट नंबर, ये सारा कुछ आपको तुरंत ही मिल जाते हैं। तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो किस तरह से इसका अकाउंट आपको ओपन करना है। और यहाँ पे आपको दिख जाएंगे सर्विसेज, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, स्टेटमेंट और मैनेज और सर्विसेज का, तो यहाँ पे आपको सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। सो उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएंगे अकाउंट सर्विसेज, यहाँ पे कार्डलेस कैश विड्रॉल, और यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कार्ड सर्विसेज, और यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कार्ड पिन सर्विसेज, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। सो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे डेबिट कार्ड पिन जनरेशन और यहाँ पे आपको दिख जाएंगे क्रेडिट कार्ड पिन जनरेशन। तो यहाँ पे आप किस कार्ड का पिन जो है कि जनरेट करना चाहते हो, या फिर डेबिट कार्ड का या फिर अपने क्रेडिट कार्ड का, तो चलिए मैं यहाँ से डेबिट कार्ड का पिन मैं यहाँ से जनरेट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऊपर में दिख जाएंगे सेलेक्ट अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। सो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी अकाउंट नंबर है यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सो उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में दिख जाएंगे डेबिट कार्ड नंबर, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके और आपका डेबिट कार्ड का जो भी नंबर हो वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, आपका डेबिट कार्ड का लास्ट का 2 डिजिट नंबर यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा और बाकी पूरा नंबर यहाँ पे जो कि सिक्योर कर दिया गया है। तो चलिए मैं यहाँ से अपने डेबिट कार्ड का नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको अपने डेबिट कार्ड का CVV नंबर इंटर करना है जो कि आपको डेबिट कार्ड में मिल जाएंगे, जो कि मैंने आपको अनबॉक्स करके भी दिखाया था डेबिट कार्ड। तो चलिए मैं अपने डेबिट कार्ड का CVV नंबर यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। CVV नंबर आपके डेबिट कार्ड में बैक साइड के पीछे में आपको मिल जाएंगे CVV नंबर। तो चलिए मैं अपना CVV नंबर यहाँ पे इंटर कर देता हूँ।
तो मैं यहाँ पे अपना सीवीवी नंबर इंटर कर दे रहा हूँ, 5 3 4। तो मैंने यहाँ पे अपने डेबिट कार्ड का सीवीवी नंबर इंटर कर दिया है, और यहाँ पे आपका सीवीवी नंबर जब मैच कर लिया जाएगा तब यहाँ पे आपको ग्रीन साइन शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा ग्रीन साइन शो हो गया है और नीचे रेड बता रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे डेबिट कार्ड पिन, तो यहाँ पे आपको उसी पिन को इंटर करना होगा जो आपने आप डेबिट कार्ड पे रखना चाहते हो जो पिन, तो उसी पिन को आपको यहाँ पे इंटर करना है। ये पिन आपसे तब मांगा जाएगा जब आपका डेबिट कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा, तब कहीं भी आप कैश विड्रॉ करो चाहे ऑनलाइन शॉपिंग करो तब आपसे ये पिन मांगा जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना पिन यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो कोई भी अपने हिसाब से यहाँ पे 4 डिजिट का पिन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए मैं अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपने डेबिट कार्ड का पिन जो है कि इंटर कर दिया है, यहाँ पे भी ग्रीन साइन शो हो गया। अब यहाँ पे आपने जो भी पिन इंटर किया हो उसी पिन को यहाँ पे आपको कन्फर्म करना होगा, कन्फर्म डेबिट कार्ड पिन, तो यहाँ पे आपको उसी पिन को इंटर करना होगा। चलिए मैं अपना पिन यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कन्फर्म कर लिया है और यहाँ पे भी मेरा जो लाइन है यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख जाएंगे नंबर्स ई और एफ और एन। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रीड कर लेना है एक बार, योर आईसीआईसीआई बैंक डेबिट कार्ड हैज ग्रेड ऑन द रिवर्स इंटर नंबर फ्रॉम द गाइड एस प्रिंटेड अगेंस्ट द फॉलोइंग अल्फाबेट्स। तो यहाँ पे आपको एक नंबर है जो कि यहाँ पे आपको इंटर करना होगा, वो भी अल्फाबेट्स में। तो चलिए मैं वो नंबर यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। वो नंबर आपको अपने डेबिट कार्ड पे मिल जाएंगे। आप अपने डेबिट कार्ड के सीवीवी नंबर के नीचे में देखोगे तो आपको इस तरह का एक जो कि नंबर यहाँ पे दिखेंगे, तो उसी टाइप का यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से इंटर करना है। मैं पहले इंटर कर लेता हूँ यहाँ पे। तो किस तरह से इंटर करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख जाएंगे ई, और आपके डेबिट कार्ड में यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे आप ढूंढोगे तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएंगे ई। तो ई पे आपको जो भी अंक दिखेंगे ई के अंदर में, तो उसी अंक को आपको यहाँ पे इंटर करना है। जैसे कि मेरे डेबिट कार्ड में ई के अंदर है 5 6, तो मैं यहाँ पे 5 6 इंटर कर देता हूँ। अब आ जाते हैं यहाँ पे एफ, तो एफ के अंदर जो भी है तो यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे 4 2 इंटर कर देता हूँ, आपके डेबिट कार्ड में मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप बाकी है लास्ट जो कि है एन, तो एन के अंदर जो भी है तो यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा 77। तो सारा कुछ मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। जब आप इसे कंप्लीट करोगे तो ये लकीरें हैं यहाँ पे ग्रीन हो जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ से इसे सबमिट कर लेता हूँ यहाँ से। सो सबमिट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं योर पिन हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुल्ली। तो यहाँ पे मेरा पिन जो है कि जनरेट हो चुका है, और बैंक के तरफ से आपको एक SMS भी सेंड कर दिया जाता है। तो किस तरह से आपको जनरेट करना है यहाँ पे मैं इसे ओके कर देता हूँ। सो उसके बाद यहाँ पे आपको बैक आ जाना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख जाएंगे, स्टेटमेंट, और यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन था जो कि यहाँ पे हट चुका है, और यहाँ पे डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से जो कि आप अपने कार्ड को जो कि कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हो, आपको अपने डेबिट कार्ड का नंबर दिख जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आपका डेबिट कार्ड का एक्सपायरी डेट दिख जाते हैं, आपका डेबिट कार्ड कौन से कंपनी का वीजा का है। यहाँ से अपने डेबिट कार्ड का पिन जो है कि रिसेट कर सकते हो, और यहाँ से अपने डेबिट कार्ड को जो है कि यहाँ से पूरा कंट्रोल में रख सकते हो, या फिर दोबारा से अप्लाई कर सकते हो, या फिर ब्लॉक कर सकते हो। यहाँ से शो CVV नंबर पे क्लिक करके अपने डेबिट कार्ड का CVV नंबर भी देख सकते हो यहाँ से। तो इस तरह से आप अपने डेबिट कार्ड को जो है कि एक्टिवेट कर सकते हो यहाँ पे, जो कि मेरा डेबिट कार्ड एक्टिवेट हो चुका है। जब आपका डेबिट कार्ड एक्टिवेट होंगे तो यहाँ पे आपको अपने डेबिट कार्ड दिख जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए फिलहाल मैं इसे बैक कर देता हूँ। किस तरह से आपको जो है कि इसका डेबिट कार्ड को एक्टिवेट करना है, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ से आप अपने डेबिट कार्ड को UPI के थ्रू जो है कि यहाँ पे यूज भी कर सकते हो यहाँ पे। तो फिलहाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को ICICI बैंक का डेबिट कार्ड का जो पिन है मैंने आपको जनरेट करके दिखा दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, या फिर पूरी तरह से मैं आपको हेल्प करूंगा। और मुझसे अगर आपको बात करना है तो मैंने टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन करके आप जो है कि मुझसे बात कर सकते हो।
तो इस वीडियो में पूरी स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया, आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।